जूनागढ़ खून खून की कोशिश तथा हत्याना थोकबंद गुना में संडोवायेला माणावदर तालुका नो रीढ़ो गुनेगार रहीम उर्फे अंतुड़ी तथा तेना सागीरतने देशी हाथ बनावटना तमंचा पिस्तोल तथा बंदूक मड़ी कुल 16 जेटला गैरकायदेसर हथियारों तथा नाना मोटा जीवता कार्टीस तथा नाना मोटा फूटेला कार्टीस मड़ी कुल 21 कार्टीस साथ कुल किंमत 1,20,600 मुद्दामाल साथ माणावदर हड़मत तड़िया हनुमानजी मंदिर तरफ जता रस्ते थी जूनागढ़ पोलीसे दबोची लीधो हतो। जूनागढ़ पोलीसना उच्च अधिकारीओनी सूचना अने मार्गदर्शन हेठळ जिल्लामां चालती गैरकायदेसर प्रवृत्तिओ पर अंकुश राखवा अने गैरकायदेसर हथियारोने लागता गुनाओ बनता अटकाववा तेमज नाश्ता फरता आरोपीओने पकड़ी पाडवा सूचना आपी होय छे। जे अन्वये एसओजीना पोलीस इंस्पेक्टर एचआई भाटी तथा स्टाफना माणसो प्रयत्नशील होय अने आजे जूनागढ़ जिल्लाना माणावदर विस्तारमां पेट्रोलिंगमां हता ते दरमियान माणावदर बस स्टेशन पासे आवता माणावदर पीएसआई ढोकड़िया तथा माणावदर पोलीस स्टाफना माणसोने संयुक्तमां खानगी बातमीदारो द्वारा चीक हकीकत मळे के माणावदर लक्ष्मीनगरमां रहेतो अने अगाउ खून खूननी कोशिश करता मारामारी अने हथियारना अनेक गुनामां संडोवायेलो आरोपी रहीम उर्फे अंतुड़ी उर्फे चक्की जुस्बनभाई हिंगरोजा गामेथी तेना सागीरत इब्राहिम उर्फे सनेड़ो नासिरभाई हिंगरोजा गामेथी तथा मणिवदर हड़मटिया हनुमानजी मंदिर तरफ जता रस्ते आवेल पुल नजीक ऊभा छे अने आ बने ईसमो गंभीर गुनो करवाना इरादे पोताना कब्जामां हथियार राखी ऊभा छे तेवी बातमीना आधारे बातमीवाड़ी जग्याए तपास करता बे ईसमो ऊभेल होय तेओने पकड़ी पाड़ती पोलीस लेता देशी हाथ बनावटना तमंचा नंग 2 किलो रुपया 10,000 मळी आवेल तथा खानगी बातमीदारो मार्फते जाणवा मळेल के मजगूर ईसम पासे बीजा हथियारो पण छे જેની બંને ઈસમોની આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા બીજા હથિયારો રહીમ ઉર્ફે અંતડી ઉર્ફે ચક્કીના રહેણાંક મકાને તપાસ કરતા બીજા કુલ 14 હથિયાર તથા નાના મોટા જીવતા કાર્ટીસ નંગ 6 તથા ફૂટેજ કાર્ટીસ નાના મોટા નંગ 15 જે કુલ 1,600,000ના બીજા મોબાઈલ ફોન સહિત અન્ય મુદ્દામાલ સાથે 1,20,600નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો। ઝડપાયેલા આરોપી રહીમ ઉર્ફે અંતુડીના ગુના ઇતિહાસના પાના ઉથલાવતા પોલીસને જૂનાગઢ માણાવદર માંગરોળ વંથલી જામનગર અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં તેમના માથે 19 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા હતા। કુખ્યાત રીઢો ગુનેગાર અને તેનો સાગરિત પોલીસને હાથ લાગતા હજુ વધુ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાય તેવી શંકા સેવાઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ શૈલેષ વર્મા જૂનાગઢ સ્પિન્યુઝ 17। जूनागढ़ का हिस्ट्री शीटर रहीम अंतुड़ी के पास एसओजी टीम जूनागढ़ का और माणावदर पुलिस मिलकर लगभग 16 जैसा हथियार कब्जा किए। उसके साथ साथ जीवित कारतूस और फुटा हुआ कारतूस भी कब्जा किए और ये काफ़ी बड़ा कब्जा जूनागढ़ की हिस्ट्री में, एक साथ 16 वेपन कब्जा करना। पहले से हमारे पास बातमी था और हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस बातमी पे, आखिरी में सफलता अब मिली है। इसमें आप जानते हैं कि सलीम के खिलाफ पहले भी 302 का भी गुनाह दाखिल हो चुका है, 307 का भी गुनाह दाखिल हो चुका है। ये हथियार जो है लगभग लॉकडाउन खुलने के बाद यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर से भिंड जिला से लेके आए थे सनी यादव से खरीद के। ये गए थे गाड़ी लेके यहाँ से, स्विफ्ट गाड़ी में अपना बॉडी के अंदर वेपन्स छिपा के लेके आए थे। इसमें खास काम करने वाले अपना एसओजी का पीआई साहब भाटी साहब है, वाला साहब, फिर माणावदर पीएसआई ढोकड़िया साहब और एसओजी में अनिरुद्ध सिंह, महेंद्र डेर, महेंद्र कुवाडिया, फिर माणावदर पुलिस स्टेशन से विक्रम भाई, फिर रविंदर भाई, विपुल भाई एंड जयेश भाई काम कर चुके हैं। मेजरली इनका घर से ही मिले, घर के अंदर छुपा हुआ हथियार, और 14 हथियार घर से मिले थे और 2 हथियार इनके पास से मिले थे। सर और कोई गुनाह में आरोपी? अभी इनका पासा वारंट बजावनी करना बाकी है, बट प्रेजेंट कोई गुनाह में जूनागढ़ में वांटेड नहीं है, बट आगे कुछ इनके खिलाफ और भी गुनाह दाखिल हो। इसका मकसद क्या था, हथियार बेचने वाला था, बेच रहा था, क्या था सर, कितने समय से ये कर? आप जानते हैं ये हिस्ट्री शीटर ही है, पहले भी इनके खिलाफ 307 और 302 जैसे बड़े गुनाह दाखिल किए हुए और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में भी वेपन्स कब्जा किया था इनसे, तो खुद यूज़ करने के लिए भी लेके आया और किसी को जो ज़रूरत होती है उनको बेचने के लिए भी लेके आया। किसी का नाम आई है कि किस किस को हथियार बेचे या सर पास्ट में? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, कुछ खोलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, वहाँ पे तो आपको 5,000 में मिल जाएगा, या ले आके 20,000-30,000 में बेचते हैं कस्टमर के हिसाब से और उनका ज़रूरत के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं।
अच्छा सर, ये जो वेपन से किस प्रकार के, किस टाइप के? ज़्यादातर आप देख सकते हैं पूरा देसी तमंचा ही है। मैन्युफैक्चरिंग का लगभग इटावा जिला में यूपी में हुआ है। हाँ। और खरीदी हुआ है भिंड जिला मध्य प्रदेश से। अच्छा। पहले भी हमारा जो रिकवरी हुआ था उसमें भी भिंड और इटावा का इन्वॉल्वमेंट आया। सर, ये वो वेरीफाई करना बाकी है, मैं करके बताता हूँ।